हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने ये एग्जाम्पल लेकर आ गए हैं और ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, इस एग्जाम्पल को क्वेश्चंस को पहले समझे, फिर बाद में उसको सॉल्व करें। जैसे इस क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या, ठीक है, बोला है कि फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये एपी बोल दिया है, पहले ध्यान देखना कि ये कह दिया एपी है ना, तो आप डी की वैल्यू किसी भी दो वैल्यू को लेके निकाल सकते हैं। देखिए डी, अगर इसकी सॉल्यूशन की मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अगर इसकी सॉल्यूशन की मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो इसको ए बोला है फाइंड आउट करने के लिए। तो ए जो भी इसकी पहली वैल्यू दी रहती है ना, वही उसकी फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पहली वैल्यू क्या दिया है, 3/2, ये फर्स्ट वैल्यू हो गया। ठीक है, ये पहला आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, वही होता है ए की वैल्यू। अब आपको चाहिए डी की वैल्यू। तो D क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि A2 -A1, मतलब ये जो आपके सामने वैल्यू है ये A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है, ये A4 है, मतलब चार टर्म दिए हुए हैं। तो आप इसमें से इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे A2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और A1 की वैल्यू कितनी है, 3/2। अब इसको सॉल्व कर दिए, देखो दोनों की एलसीएम वैल्यू 2 ही है। यहाँ पे ऊपर 1 रखेंगे, यहाँ -3 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 -3 मतलब -2, -2/2 कितना हो जाएगा, -1। तो इसका कॉमन डिफरेंट अगर यहाँ पे लिखूं मैं, तो कॉमन डिफरेंट कितना आ गया, -1। तो इस तरीके से देखिएगा तो सब में -1 की वैल्यू आएगी, सब में जितने भी सॉल्व करोगे सब में इसकी -1 की ही वैल्यू आने वाली है। तो इस तरीके के वीडियोज, एक एक वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, नेक्स्ट वीडियो आपका एग्जाम्पल नंबर 2।